जी टीवी पर प्रस्तुत किया जा रहा धारावाहिक अफसर बिटिया के पहले एपिसोड की सक्सेस पार्टी शीशा स्काई लॉन्च अंधेरी पश्चिम में की गई, जहां सीरियल के सारे कलाकार इस पार्टी में मौजूद हुए। अफसर बिटिया इस धारावाहिक में लीड रोल निभा रही है मिताली नाग। मिताली इस धारावाहिक में कृष्णा नामक लड़की का किरदार निभाएंगी, जो बिहार के भागलपुर शहर की रहने वाली है। वह पढ़ाई में बेहोशिया है और अपने परिवार के विरोध के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और सफल सरकारी अधिकारी बनती है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइफ में मैं ये फीलिंग एक्सपीरियंस करूंगी, या ऐसे मौके पे जब एक बड़ी सी स्क्रीन पे मतलब मेरा काम दिखाया जा रहा है और मैं वहाँ सामने खड़े होकर उसको देख रही हूँ। इट वॉज रियली वेरी वेरी एक्साइटिंग। नाम से आई एम श्योर आप लोग ये जान गए होंगे कि मैं मतलब कृष्णा राज बेटी है और अफसर बेटी है, बेटी है जो अफसर बनना चाहती है और बन लेती है, बन जाती है। कई सारी मुश्किलें आती हैं उसकी लाइफ में, जो जनरली लोगों की या लड़कियों की लाइफ में आती हैं, वो अपना अगर गोल पाना चाहें तो। बट कैसे कृष्णा जो है वो सारे प्रॉब्लम्स को उनको फाइट करते हुए आगे बढ़ती है और फाइनली अपना गोल जो है अचीव करती है, दैट्स द स्टोरी। देखिए किस तरह से मैं मतलब ऑन स्क्रीन जो आप देख रहे हैं कि मेरे पापा जो है वो मेरे साथ होते हैं सबसे ज़्यादा, मेरे पापा मेरे साइड है, क्योंकि वो जानते हैं, उनका भी एक सपना है कि मैं कुछ करूँ, वो जानते हैं, ही बिलीव्स इन मी। तो मेरे पापा का ये सपना है जो, और इसलिए वो मेरे साथ होते हैं। मम्मा का एक रीज़न है क्योंकि हम लोग लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, पापा बहुत कम पैसे कमाते हैं, तो उतने कम पैसों में मम्मा को हमारे घर के जितने सारे लोग हैं 5 मेम्बर्स उनका सबका टेक केयर करना होता है। तो मम्मा का बेसिकली रीज़न ये है कि पैसे इसकी पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई से क्या होगा, शादी करनी है लड़की को, तो वो एक मम्मा का रीज़न है। बट मम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी बहनें हमेशा मेरा साथ देती हैं पढ़ाई के लिए या मुझे जो भी करना है लाइफ में उसके लिए। मेरे भैया वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बट उनका भी यही प्रॉब्लम है क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें, मैं जो भी मुश्किलें हैं मैं लोगों से लड़ लेती हूँ, या मैं मतलब आप देखेंगे आगे एपिसोड्स में, तो मेरे भैया का वो एक प्रॉब्लम है कि आप लड़की हो तो आप लड़की हो जैसे रहो। मैंने इस रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया, मुझे कुछ खास प्रिपरेशन लगी नहीं, कई सारी मतलब कृष्णा का एक बेसिक नेचर वो मुझसे बहुत मेल खाता था, ये कि कृष्णा को अपने मतलब कृष्णा ऑफिसर बनना चाहती है क्योंकि वो अपने डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पर लेना चाहती है। मैं हमेशा से लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी क्योंकि मैं अपनी मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेना चाहती थी। तो लाइफ में हाँ मेरी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, बट इतनी नहीं क्योंकि मैं इतनी गरीब फैमिली को थैंकफुली नहीं बिलोंग करती हूँ और मम्मा मेरी बड़ी सपोर्टिव रही हैं हमेशा से। तो कुछ ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, बट हाँ वही है जो रियल लाइफ मेरी सिचुएशन है वो मैं उनको रिलेट करती थी। और जैसे मैं सीन्स इस धारावाहिक में किंशु पिंटू सिंह नाम का किरदार निभाएंगे। किंशु अपने इस किरदार को लेकर काफ़ी खुश है, ये किरदार जिंदगी में पढ़ाई लिखाई की अहमियत को उजागर करता है। किंशु का कहना है कि इस कहानी को देख कर और भी तमाम मध्यम वर्गीय लड़की में कुछ करने का जज्बा ज़रूर जागेगा। हमारा किरदार अफसर बिटिया में माइंड ब्लोइंग है। हम हैं पिंटू सिंह और हम भागलपुर के रहने वाले हैं और कहानी बहुत बढ़िया है, आप देखिएगा आपको मजा आएगा। देखिए जो पिंडू का कैरेक्टर एक्चुअली में है वो ये है कि लोगों को परेशान करने में उसे मज़ा आता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है, मदद भी करता है लेकिन फटका मार के। तो ये कैरेक्टर है मेरा, बट आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। अभी तो पहला एपिसोड है, कहानी बस शुरू हुई है, बाकी वेट करिए देखिए आगे आगे होता है क्या। जी माइंड ब्लोइंग, मेरे साथ जितने भी एक्टर्स हैं चाहे सीनियर हो चाहे मिताली हो सब बहुत ही अच्छे हैं और थोड़ा बहुत मैं भी जस्टिफाइड कर ही लेता हूँ, लेकिन काफ़ी सीखने को मिल रहा है और बहुत ही एंटरटेनिंग शो होने वाला है। अगर आपके एक्टर्स अच्छे हों तो आपको शो करने में और ऑडियंस को देखने में मजा आता है। एक मध्यम वर्गीय पिता का रोल निभाते हुए नजर आएंगे नीरज सूद। मैंने पहला एपिसोड देखा है, मैं जो लड़की अफसर बनने वाली है उसके पिता का रोल देखा हूँ और कोशिश करूँगा कि वो जल्दी अच्छी से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छा काम करे, जल्दी से ऑफिसर बन जाए। कि हर मिडिल क्लास घर में ये होता है, माँ बाप तो सब चाह हर माँ बाप चाहता है कि आपके बच्चे पढ़े, लेकिन परिस्थितियाँ जनरली ऐसी हो जाती हैं कि जो कि अलाउ नहीं करती। और फिर भी मैं एक ऐसे बाप का किरदार कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से सब कुछ चीज़ को स्टेक पे लगा करके कि जो मैं नहीं कर पाया, मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पाया लड़का होकर के, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी लड़की पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है तो क्यों ना पढ़े और बेस्ट पॉसिबल किया जाए। माँ भी फेवर वाली बात नहीं है, माँ घर में बाप का रोल अदा कर रही है, वो देख रही है कि घर में पैसे नहीं है, वो भी एक मजबूर माँ है जो कि अपनी बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उस एस्पेक्ट को देख रही है कि घर में पैसे नहीं है, क्यों ना, इससे तो बेहतर है कि लड़की पढ़े और घर चले,
बात यह है कि एक बार घर भले ही थोड़ी सी तकलीफों में रह ले, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ना चाहती है तो क्यों ना पढ़े। तो एक बड़ा रोल बड़ा डिफरेंट है। मैं घर का बाप हूँ, लेकिन घर में बाप का रोल मेरी बीवी करती है, वो घर की, क्योंकि वो फाइनेंशियली देखती है, वो जानती है घर कैसे चलेगा। मैं तो रिसोर्सेज कलेक्ट करता रहता हूँ, जहाँ से पैसे मिले, जितने कमाए वो दे दिए। कोशिश मेरी है कि मेरी बेटी पढ़ती रहे। फिल्म और टीवी की दुनिया में शहबाज खान एक परिचित नाम है। अफसर बिटिया इस धारावाहिक में वो नकारात्मक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन यह ऐसा किरदार है जिसे लोग प्यार भी करेंगे। यह किरदार वास्तविकता के नज़दीक है। अफसर बिटिया जो है एक बहुत रियलिस्टिक किस्म का सीरियल है। आजकल जो सीरियल चल रहे हैं उससे बहुत अलग है, मैसेज ड्रिवन सीरियल है। हम लोग खासतौर से हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टेलीविजन की मैसेजेस और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अक्सर भूल जाती है, लेकिन अफसर बिटिया में बहुत अच्छे तरीके से मैसेज को पहुंचाया गया है, विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट का। और मेरा इसमें कैरेक्टर है टुनटुन सिंह का, जो आगे चल के आता है दो तीन एपिसोड के बाद। बहुत कमाल का कैरेक्टर है, दबंग कैरेक्टर है। इस सीरियल सीरियस सीरियल को कलर मेरा कैरेक्टर देता है। और पिंटू सिंह और बबलू सिंह इसके दो बेटे हैं। बहुत मतलब मजाहिया किस्म का कैरेक्टर, लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। और बहुत जल्द लोगों की पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान पे टुनटुन सिंह का नाम होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, वरना मैं ऐसे शोज करता ही नहीं हूँ। मेरा सोनी पे भी वो जो शो चल रहा है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। इस उससे बिल्कुल हट के अलग कैरेक्टर है, एकदम टोटली कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। और इस सीरियल का की ख़ास बात ये है कि एक सीरियसनेस और मजाहिया कैरेक्टर को मिला जुला के एक एंटरटेनमेंट के तौर पे प्रस्तुत किया है विद अ वेरी स्पेशल मैसेज। और आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अफसर बिटिया देखें। करस में प्रस्तुत भाग्य विधाता में संजीदा किरदार निभा रहे यश सिन्हा अफसर बिटिया इस सीरियल में एक प्रोफेसर का किरदार निभा रहे हैं। देखिए क्या है कि अफसर बिटिया कहानी है एक लड़की की जो कि पढ़ना चाहती है, एक अफसर बनना चाहती है। उसको अफसर बनाने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है, तो वो कैटलिस्ट मैं हूँ जो उसको अफसर बनने में मदद करता है। ज़्यादा कहूँ तो शायद अफसर बना, बस इतना काफ़ी है। माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, लेकिन दोनों में प्यार बहुत है। अफसर बिटिया की USP यही है कि देखिए हम एक एंटरटेनिंग कहानी बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ कहना चाहते हैं कि पढ़ाई शिक्षा कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में, और ख़ास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां शायद पिछड़ी रह गई हैं पढ़ाई के मामले में। इस धारावाहिक को बनाने वाले निर्देशक की यह रियल लाइफ की कहानी है। ये कहानी उनके बहन से जुड़ी हुई है। शहर में झारखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे वो वीडियो है। और जब पहली बार वो भी इसी तरह संघर्ष करके ऑफिसर बनी है, और जिस दिन उसका रिजल्ट आया था, जिस दिन वो सेलेक्ट हुई थी, उस दिन जो परिवार में मैंने माहौल देखा था, एक प्राइड का मोमेंट देखा था अपने पेरेंट्स की आंखों में, वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ इस कहानी को बनाने के लिए। बाकी चीज़ें फिक्शन है, पर वो मोमेंट था जहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ ये कहानी को बनाने के लिए। तो बेसिकली मैं अपनी बहन से, छोटी बहन से ही इंस्पायर्ड होकर ये कहानी बनाया हूँ। बनाना है, धारावाहिक बनाना है, तो वो बाकी मसाला, ड्रामा, इमोशन रखना पड़ता है, तो बाकी वो सब पिरोया वो एक एंटरटेनमेंट के खाका में। पर इंस्पिरेशन वहीं से मिला था मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत ही और आप देखेंगे बहुत मतलब टेलीविज़न के लिए बड़ी कास्ट है। शहबाज भाई हैं, वीरेंद्र सक्सेना है, शिव शक्ति है, और एक ख़ास बात, इस शो में 3 या 4 ऐसी महिलाएं हैं जो प्रोटैगनिस्ट प्ले कर चुकी हैं पहले। अफसर बिटिया की इस धारावाहिक के सारे किरदारों को हमारी तहलका 24 न्यूज़ की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।